में आया तो मैंने घुसते ही देखा यार पुलिस इतनी क्यों तैनात कर रखी। तो मैंने मलिंगा जी से पूछा क्या चक्कर ये राज में, तो उनका चक्कर तो आप हो सबसे बड़ा, आपके पीछे पुलिस रहती है। अब मैंने की पोर्ट खोलने के लिए उधर में गया था, अभी गलती से फिर तो हाथी पैर लेकर वहां चढ़ गए, पता नहीं कैसे चढ़ गए तो ये जाने। लेकिन मैं उदयपुर में कहने के लिए कहा गया था कि जहां भाई तुम अपना कांग्रेस का सम्मेलन कर रहे हो, मैं तो कांग्रेस को तो बुरा मत मानना, मैं बीजेपी की भी बात बताऊं, ऐसा ना मैं एक ही दल की बता रहा हूं। आप जहां सम्मेलन कर रहे हो भाई, वो तो जमीन आदिवासियों की है, जमीन को हड़प के होटल बनाए। सुमनिया जी आप यहां मीटिंग मत करो, मैं तो सलाह देने गया। लेकिन पुलिस आ गई, मैंने पुलिस को डांट दिया तो एसपी साहब आ गए, तो मेरे को फोन को खुसाने लगे जो मेरे साथ था, मैं फोन नहीं खुसा सकता। एसपी ने कहा जब तक सोनिया गांधी और कांग्रेस की ये मीटिंग यहां पर है आप रहोगे ही नहीं। अरे भाई मैं कोई गड़बड़ करने वाला नहीं हूं, मेरे को रहने दो यहां, मैं कुछ बात कहने के लिए आया हूं। ना कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनी, मैं आ गया, क्या करता। मैं ये बात इसलिए यहां पर उदाहरण दिया, मैं कोई किसी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आया। आजादी के 75 साल 70 साल बाद भी हम किसी के सामने अपनी बात रखें तो हालत ये होती है उठा के आप ले आओ और जिला बदर कर डालो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं चाहे कोई दल हो कोई नेता हो कितना भी बड़ा हो, मैं राजस्थान की जनता के लिए विशेषकर धौलपुर के इन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को पसीना दिया खून दिया। और सुन लो रे राजवालों, अगर किसी प्रकार का अत्याचार अनाचार करने की कोशिश की मेरे किसान के साथ की, मेरे मजदूर के साथ, और अगर मेरी बहन बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की तो तुम्हारी बंदूकों में कितनी गोलियां हो मेरी छाती को छलनी कर देना, लेकिन मैं इज्जत नहीं लूटने दूंगा। इसलिए आपको पता है जब मैं चुनाव हार गया, चुनाव में मैंने नारा दिया था आपके इधर तो जरूरत नहीं थी, तो 22 है 22 है मर के जिसके हाथ में हथौड़ा खान उसको कराऊंगा। मैं लड़ाई नहीं पर जिसके हाथ में हथौड़ा था उसकी खान कराई और खान का अधिकार चलाया वो बात अलग है। मलिंगा जी उनका हक आपके सरकार के समय लूट लिया, उनका हक को छीन लिया। आप मुख्यमंत्री जी से बात करो, मेरे को बेरोजगार मजदूर वहां पर सड़कों पर मिला उनको खान का अधिकार दिलाओ, मैंने दिलाया तो आप भी दिला सकते। मैं तो कह रहा हूं उनको कि भैया तो अधिकार मिले नहीं मिले तो तैयार हो जाओ, अधिकार दिया नहीं जाता, अधिकार छीना जाता है, मैं छिनाऊंगा मैं दिलाऊंगा, आप तो कमर कस के तैयार। मैं जानता था जब इधर आया हमको न्योता देने गए भाई चलेंगे, बहुत दिन हो गए पर कुछ जेब भी कटे। तो मैं मलिंगा जी से पूछ रहा था भाई आपका इलाका आपने कितना दिया,